नमस्कार साथियों, मैं संतोष सर, सभी का फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने सीटेट क्लास में। और जैसा कि डे टू डे जो क्लास है अब ली जा रही है, विभिन्न सारे जो भी सब्जेक्ट हैं, टॉपिक्स हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से सीटेट जुलाई को टारगेट करते हुए, और बिना किसी देरी के चलिए क्लासेस को शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर। विभिन्न सारे संख्याएं होती हैं, जब तक आप इन सभी को नहीं जानेंगे तब तक जो है आपको मैथ्स में जो है कुछ भी समझ में नहीं आएगा, अंडरस्टैंडिंग कोई भी पॉइंट्स, क्योंकि इन्हीं सारी संख्याओं के इर्द गिर्द जो है गणित घूमता है। तो मैथ्स जो 30 मार्क्स का है, 15 नंबर पेडागोगी और 15 नंबर जो है कैलकुलेशन, इस टाइप का बेसिक नॉलेज तो जानते हैं। संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर। प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है नेचुरल नंबर। कौन से नंबर रहते हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5 से अनलिमिटेड अनंत तक, ये अनंत की सिंबल है। इन संख्याओं में जीरो शामिल नहीं होता। प्राकृतिक संख्याओं में क्या जो है शामिल नहीं होता है? जीरो। तो जैसा ऑप्शन दे देता है कि इनमें प्राकृतिक संख्या कौन है, जैसे 0, 1, 2, 3, या 0, 2, 4, 5, या 1, 2, 3 अनंत, तो इस तरह आपको दे देगा। तो छांटना क्या है कि वैसे संख्या है जिसमें जीरो शामिल नहीं होती है, वो प्राकृतिक संख्या है। 1, 2, 3, 5 अनंत तक इस तरह कर सकते हैं, वही चीज़ें हैं। तो प्राकृतिक संख्या है नेचुरल नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से अनंत तक। इन संख्याओं में जीरो शामिल नहीं होता है, वह प्राकृतिक संख्या है। आसान समझ गए होंगे आप। अब है पूर्ण संख्या, है होल नंबर। होल नंबर क्या है? इन संख्याओं में प्राकृतिक संख्या है और जीरो शामिल होती है। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे 0, 1, 2, 3, 4 और इस तरह जाएगा अनलिमिटेड अनंत तक। तो ये क्या है? होल नंबर है, ठीक है, पूर्ण संख्या है जिसमें जीरो को शामिल किया जाता है। तो बिना जीरो नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है, और जीरो इंक्लूड कर दिया जाए तो होल नंबर, पूर्ण संख्या है, ठीक है। अब आ गया आपका सम संख्या है, इवेन नंबर। इवेन नंबर सम संख्या है, वैसी संख्या है जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह अनंत तक। तो क्या आप बताएंगे कि 13 जो है संख्या है, क्या ये कौन सी संख्याएं हैं? सम संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं क्या है? तो जो 13 है ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये सम संख्या नहीं हो सकती। हाँ, प्राकृत संख्या हो सकती है, और अगर आगे 0 भी लगा हो तो पूर्ण संख्या भी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह आओ जो है चीज़ों को समझेंगे। 10 पूछा जाए, 10 क्या 10 सम संख्या है कि नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाती है, 2 5 10, ठीक है। तो ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए वह क्या है? सम संख्या है, इवेन नंबर। नेक्स्ट है विषम संख्या है, ऑड नंबर। वैसे संख्या है जो 2 से विभाजित नहीं हो, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13 अनंत तक। तो 3, 5, 7, 9, 11 और 13, तो ये सभी क्या है? 2 से विभाजित नहीं हो पा रही है, इसलिए क्या है? विषम संख्या है। तो क्या बता सकते हैं कि 17 जो संख्या है ये क्या है? सम संख्या है, विषम संख्या है, क्या है? तो आपका जवाब क्या हो सकता है? हमारे हिसाब से तो ये कुछ अलग होगा, लेकिन जैसा कि हमने बताया कि 2 से जो विभाजित नहीं होती है, वैसे संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो, तो 2 8 16 तो हो रहा है? नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या है? सम संख्या नहीं है, ये क्या है? विषम संख्या है। अगर वहीं 16 दिया रहता तो 2 8 16 तो वह सम संख्या हो जाती, और 17 है तो ये विषम संख्या है। तो आप जैसे अब 15 है तो विषम संख्या है, 16 है सम संख्या है, 17 है विषम संख्या है, 18 इस तरह
एक लॉजिकल बन रहा है कि विषम संख्या में यदि जोड़ा जाता है, इस तरह भी आप लॉजिक लगा सकते हैं, तो ऐसी संख्या है जो दो से पूरी तरह विभाजित नहीं हो, वो क्या है? विषम संख्या है। अब है उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या है, सक्सेसर नंबर, ये देखिए सक्सेसर, इसे हिंदी में कहते हैं उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या है, ठीक है। किसी भी प्राकृत संख्या में जो है एक जोड़कर इसे निकाला जा सकता है। नेचुरल नंबर क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह अनंत तक है। तो उन सभी संख्याओं में यदि एक जोड़ देते हैं तो क्या है? सक्सेसर नंबर है। अगर पूछा जाए कि 5 का जो है सक्सेसर नंबर क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे? 5 + 1 = 6, 6 होगा, ठीक है। वहीं अगर पूछ दिया जाए कि 10 का सक्सेसर नंबर क्या होगा, तो क्या करेंगे? 10 + 1, 10 + 1 = 11। इसी तरह 1015 का क्या होगा सक्सेसर नंबर? इस तरह परीक्षाएं में आती हैं सवाल, तो इसमें +1 जोड़ देंगे तो ये आपका 1016 है सक्सेसर नंबर। सक्सेस मीन्स क्या होता है? सफलता। सफलता कैसे पकड़ते हैं? जब आगे आप जाते हैं जितना है सीढ़ी स्टेप, तो इस तरह आप याद रखेंगे कि कोई भी ऐसी नेचुरल संख्या है जिसमें एक जोड़ दिया जाए वो आपका सक्सेसर नंबर है। इसी के जो है रिवर्स होता है प्री डेसेसर, ठीक है। ये आपका इसका बोला जाता है प्री डे से सर, तो अंग्रेजी से आप जाएंगे प्री मीन्स पूर्व, समझेंगे इस तरह लॉजिक लगा के, इससे पूर्ववर्ती, हिंदी से भी स्पष्ट होता है पूर्ववर्ती, यानी वो संख्या है कि पूर्व पहले आता है। तो किसी भी नेचुरल्स नंबर्स में अगर आप एक हटा देते हैं तो पूर्व की संख्या याद रहती है। तो ये प्रीडेसेसर हो गया नंबर्स। अब मान के चलिए जो है 576 है, एक ऐसी संख्या है जिसका हमें सक्सेसर और प्रीडेसेसर दोनों निकालना है। तो सक्सेसर क्या होगा? जैसा कि हमने पूर्व में बताया कि वैसी संख्या जिस नेचुरल जो भी नंबर है उसमें एक जोड़ दिए तो आपका सक्सेसर नंबर निकल रही है। तो 576 + 1 जो निकल दिए, तो 577 क्या है? सक्सेसर नंबर है जो है, ये उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या है। और इसी में 576 - 1 कर दिए तो यानी 575 ये आपका क्या है? प्रीडेसेस नंबर या पूर्ववर्ती संख्या है। तो इस तरह संख्याएं दी जा रहती है परीक्षाओं में और आपको निकालना होता है। तो इसका जो लॉजिक बताया जा रहा है, जिस तरह समझाया जा रहा है, उसको आप गेन करेंगे। एक बार नहीं समझ में आ रहा है, बार बार वीडियो को देखेंगे समझ में आ जाएगा। जरूरी है चीज़ें समझना, नहीं समझ में आ रही है कमेंट के माध्यम से पूछें, लेकिन डाउट्स में नहीं रहे। हमने बहुत सारी चीज़ों को जाना। होल नंबर वैसी संख्या है जिसमें 0 इंक्लूड हो, नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड हो, होल नंबर वो आपका पूर्ण संख्या हो गया। नेचुरल नंबर वैसी संख्या है जिसमें 0 इंक्लूड नहीं हो, 1, 2, 3, 4 अनंत तक होती हैं, वो क्या है? नेचुरल नंबर है। होल नंबर जिसमें 0 समाहित किया जाता है नेचुरल नंबर के साथ 0, तो जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये अनंत तक जाएंगे तो ये होल नंबर हो गया। उसके बाद हम लोग जाना विषम संख्या। विषम संख्या है वह संख्या है जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो। जैसे 21, 21 क्या 2 से विभाजित हो रहा है? नहीं। अगर वह 20 तो 20 डिवाइड हो रहा है। तो जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो वो विषम संख्या है। और सम संख्या हमने जाना इवन संख्या, वैसे संख्या जो कि 2 से पूरी तरह विभाजित हो। जैसे मान के चलिए 40, 40 ऐसी संख्या है क्या 2 से पूरी तरह विभाजित होती है, तो ये आपका क्या इवन नंबर है, सम नंबर। वैसे संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो, जैसे 2, 4, 8, 6, 8, 10, 20, 40, 100 ऐसे। और विषम संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो। उसके बाद हमने जाना सक्सेसर नंबर। सक्सेसर नंबर वैसे संख्या है जो कि वैसे प्रकृत संख्या है जिसमें हम एक जोड़कर जो है उस संख्या को निकालते हैं, ज्ञात करते हैं। जैसे सपोज है 299 है, उसमें एक जोड़ेंगे तो 300 हो जाएगा, और 300 जो है संख्या है क्या होगा? हमारा सक्सेसर नंबर होगा, ठीक है। साथ ही 300 जो संख्याएं हैं वह आपका इवन नंबर भी हो सकता है क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है। तो एक क्वेश्चन का कई तरह जो है लॉजिक
हो सकता है, ठीक है। और प्रीडेसर नंबर, प्रीडेसर पूर्ववर्ती संख्या है, वैसे संख्या है जिस प्राकृत संख्या है जिसमें क्या है एक घटाकर निकलते हैं। अब वही 280 है, प्रीडेसर पूछ रहा है, तो एक घटा देंगे तो 279, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और बेस्ट ऑफ लक, और पूरा कोई वीडियो देख सकते हैं, और जो भी क्लासेज हैं कंटिन्यू कीजिए, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब अपने सभी फ्रेंड्स, सभी सर्किल, सभी को जो है लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, सभी से जो है जितना हो सके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि हम आपके लिए बेस्ट बेस्ट कंटेंट लें। अब की बार जो है सीटेट पार के लिए, तो संख्याओं के प्रकार एक बार फिर से देख सकते हैं। मैं संतोष और 30 अप्रैल 2023 सीटेट जुलाई टारगेट लेकर, संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर, प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, वे संख्याएं जिनमें जीरो शामिल नहीं होती, 1 2 3 4 5 6 से अनलिमिटेड अनंत तक पूर्ण संख्याएं, इन संख्याओं में प्राकृत संख्याएं और जीरो शामिल होती हैं, 0 1 2 3 4 इस तरह होल नंबर हो गया ये, और सम संख्याएं 2 4 6 8 10 इनसे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो, और विषम संख्याएं 3 5 7 9 11 13 अनंत तक, वैसे संख्या है जो 2 से पूरी तरह विभाजित न हो, उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या है, सक्सेसर नंबर, किसी भी प्राकृत संख्या में एक जोड़कर निकाला जाता है, ठीक है। और पूर्ववर्ती संख्या जो है किसी भी प्राकृत संख्या में एक घटाकर निकाला जाता है, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बने रहें, जुड़े रहें, और आप अपना जो है प्यारा स्नेह इसी तरह बनाए रखें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वी बैक नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।